मैं हूं मुकुल सरल। चुनाव खत्म होने के बाद और शपथ लेने के साथ ही सरकार ने ये मान लिया है कि देश में बेरोजगारी की दर 2017-18 में पिछले 45 वर्षों में सबसे ज़्यादा रही। हालांकि चुनाव से पहले वो इसे मानने के लिए तैयार नहीं थी। इसी तरह जीडीपी में भी गिरावट आई है। इन सब आर्थिक मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और आर्थिक मामलों के जानकार परंजय गुहा ठाकुरता। आपका स्वागत है। धन्यवाद। दरअसल हम ये समझना चाहते हैं कि चुनाव से पहले जिस चीज़ को इनकार किया जा रहा था कि बेरोजगारी की दर और बेरोजगारी महसूस की जा रही थी, लेकिन सारे मंत्री और सरकार इसे डिनाई करने में लगे थे कि ये अभी रिपोर्ट अंतिम नहीं है, अंतरिम है, नहीं आई है, गलत हैं आंकड़े, और अब इसे माना गया। तो एक तो बेरोजगारी की दर का हम क्या मायने लगाएं और इसके राजनीतिक मतलब, आप इस बारे में हम प्रकाश डालें। दिसंबर महीना में जब एक स्वाधीन एक संस्था है नेशनल स्टेटिस्टिकल कमीशन नेशनल स्टेटिस्टिकल कमीशन, और इन्होंने आंकड़ा लेते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO, ये एक सर्वे करते हैं, इसका नाम है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, और इन्होंने सर्वे किया और आज जो आंकड़ा आए हैं वही आंकड़ा था उस समय। जी क्यों, कैसे हमें मालूम है? क्योंकि उनका जो रिपोर्ट है वो अखबार एक है बिजनेस स्टैंडर्ड, वहाँ पे इन्होंने लीक कर दिया, और वहाँ का जो चेयरमैन था ये नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन का 30 साल सरकार में ये स्टैटिस्टिक्स के काम देख रहे थे, इनका नाम है PC मोहनन जी, और कमीशन का एक और मेंबर JV मीनाक्षी, दोनों इस्तीफा दे दिया। क्यों इस्तीफा दिया? उनके कह रहे हैं कि हमने रिपोर्ट तैयार कर दिया, सब कुछ तैयार है, मगर सरकार ये प्रकाश करने के लिए तैयार नहीं है। और आपने जैसे कहा, अरुण जेटली जी कहा ये एक ड्राफ्ट रिपोर्ट है, धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहाँ है, क्या रिपोर्ट है, एक और समिति गठन किया, और आज भी जो भारत सरकार का जो चीफ स्टैटिस्टिशियन है प्रवीण श्रीवास्तव जी, उन्होंने भी बोले हमारा डिज़ाइन बदल गया, हमारा नया एक तरीका से हम अभी भी पूरी तरह से स्वीकार नहीं, मगर वो रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे उसमें भी लिखा है पहले किस कैसे करते थे, तकनीक कैसे बदल गया, मगर सबसे जो महत्वपूर्ण बात है जो नंबर जो 6.1% वो एक ही है, और ये आपने जैसे कहा 45 साल में 72-73 के बाद यहां तक पहुंच गए, और ये साफ है कि आज जो समस्या है ये बहुत ही एक गंभीर समस्या है। 5 साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने कह रहे थे बेरोजगारी हटाना बहुत जरूरी है, बड़ा मुद्दा था। हाँ, कहा कि हर साल हम 1 करोड़ नया नौकरी लाएगी या 2 करोड़ नया, मगर हम क्या दिखाए ये पिछले 5 साल में, जो क्षेत्र थे, एक तो है IT सूचना प्रौद्योगिकी, एक है टेलीकॉम जो दूर संचार, ये दोनों क्षेत्र में नया नौकरी तो भूल ही जाए, जिनके पास नौकरी था उनको नौकरी से हटाया गया। तो एक तरह से आपका जो, और ये अलग अलग जो निजी संस्था है जैसे CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी, इनका कहना है कि बहुत सारे कारण के लिए, नोटबंदी एक कारण है और सारे कारण के लिए, कृषि क्षेत्र जिस रफ्तार से बढ़ना चाहिए था नहीं बढ़ रहा है, और हमारे जो GDP है सकल घरेलू उत्पाद वो भी नहीं बढ़ रहा है, साफ बात है बेरोजगारी बढ़ गया है। और आप कहेंगे कि अलग अलग आंकड़ा अलग अलग दिखा रहे, और युवाओं के बीच भी काफ़ी बढ़ गया है, और आपको मालूम है मोदी जी ने कहा कि हम लोग अपने आप को नौकरी दिलाना पकौड़ा तल रहे हैं, और अलग अलग आंकड़ा दिखा रहे हैं EPFO एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रहे, मगर आज सरकार नया सरकार गठन होने का एक दिन की बात, जो असलियत है जो फैक्ट्स है वो सामने है। आप कुछ भी कहिए ठीक है, आप सेब के साथ हम संतरा का तुलना नहीं करना चाहते, मगर नंबर तो वही है और 45 साल में सबसे ऊपर ये नंबर पहुंचा। अच्छा, मैं इसे थोड़ा सा ये समझना चाहूँ, जैसे हम प्रतिशत में बोलते हैं, परसेंटेज में 6.1 या 6.1%
अगर इसे हम उस तरह देखें, देश की आबादी या युवा जो बेरोजगार हैं उसमें ये नंबर किस तरह से दिखता है हमें, 6.1 को जरा परिभाषित नहीं, अगर आप देखेंगे जो युवा हैं ये रेट इससे भी ज़्यादा है। अगर आप पूरा देश के जो लोक संख्या है 135 करोड़ के आसपास, इसके लगभग आधा के आसपास 25-26 साल से कम है। जी, मगर जो अगर आप देखेंगे जो हम कहेंगे अंग्रेजी में वर्किंग एज ग्रुप, जैसे 16 से 7 साल, आप देखेंगे कम से कम हर 3 व्यक्ति में 2 व्यक्ति वही एज ग्रुप में आ जाता है। तो देखिए अलग अलग आंकड़ा है, अलग अलग तरीका से ये कैलकुलेट करना है, मगर असली बात है कि जो कृषि क्षेत्र से शहर में आ रहे रोजगार के लिए, क्योंकि कृषि क्षेत्र में ग्रामीण इलाका में रोजगार नहीं है जी। और आप जिस रफ्तार से आपका मनरेगा को बढ़ाना चाहिए आपने नहीं कर पाया, और क्या करते हैं शहर आके मकान बनाने का काम करते हैं जी। और ये एक ठेका में काम करते हैं, कुछ दिनों के लिए काम है, ये परमानेंट नहीं है और ख़त्म हो जाता है। तो ये जो बड़ा जो समस्या है, ये बेरोजगारी जो समस्या और युवाओं के बीच जो बेरोजगारी सब, ये बहुत ही एक गंभीर स्थिति में आज भारतवर्ष है। और मैं इसी में अब जोड़ूँ, अब थोड़ा सा मुझे ये भी समझना है, और ख़ासतौर से हमारे हिंदी दर्शकों के लिए आप बताइए कि जो जीडीपी में गिरावट बता रहे हैं 5 साल में, हम उसे किस तरह देखें समझें। देखिए जिस तरह से ये जो नंबर है राष्ट्रीय आय सकल घरेलू उत्पाद जी, इसका किस तरह से आप कैलकुलेट कर रहे हैं, कुछ साल में बदलाव आ गया, मगर सरकार का जो आंकड़ा है हम देखेंगे दो चीज़। ये जो तिमाही है जनवरी और मार्च 2019 में, ये 5.8% में गिर गया, ये पिछले 5 साल में सबसे कम जी, यही ये इट इज़ द लोएस्ट, इससे कम नहीं हुआ था। और 2018-19 जो वित्तीय साल जो मार्च महीने में ख़त्म हुआ, पहले आप कह रहे थे ये 7.2% से बढ़ेंगे, फिर वो करके आप 7 जी कम कर दिया, आज आप कह रहे 6.8। मगर आप ये पुरानी तरह से ये जीडीपी का नंबर अगर आप कैलकुलेट करेंगे, आप इस करेंगे तो ये 6.8 भी नहीं रहेगा, आप इसका 2% कम हो जाएगा, 2% कम हो जाएगा। तो अगर पुराने तरीक़े से आप कैलकुलेट करेंगे, जिस रफ्तार से सरकार कह रहे थे हम बढ़ रहे हैं, वो गति से हम नहीं बढ़ पा रहे। आप 5 साल से कह रहे हैं कि विश्व में सबसे जल्दी तीव्र गति से बढ़ रहे हैं भारतवर्ष, आज चीन भारतवर्ष जी, अब चीन से हम नीचे तो एक तरह से आपका नया सरकार आया और एक दिन के अंदर जो असलियत है, जो वास्तव है, ये सबको पता चल सका। और देखिए ये जो आंकड़ा है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंदर आप जरा बारीकी से देखेंगे, आप देखेंगे कि जो निवेश कम हो गया, ये अंग्रेजी में कहते हैं ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि जो आप निवेश कर रहे हैं अलग अलग मशीनरी में, जो बुनियादी ढांचा में, ये सिर्फ 3.4% है, काफ़ी कम हो गया। और इससे भी महत्वपूर्ण बात है, कृषि क्षेत्र अगर आप देखेंगे, ये जो जनवरी और मार्च का जो तिमाही है ये कम हो गया, बढ़ तो भूल ही जाइए, कम हो गया, यानी कि कृषि क्षेत्र में जो उत्पादन हो रहा है कम हो गया। और अगर 5 साल अगर देखेंगे, पहला जो मोदी सरकार, इसमें आप देखेंगे 5 साल में 1% यानी कि 1% 1% में हर साल नहीं बढ़ा। तो आज कृषि क्षेत्र में जो संकट है ये सिर्फ रोजगार का संकट नहीं है, जिस रफ्तार से बढ़ना चाहिए कृषि और विनिर्माण क्षेत्र भी कहा। और देखिए आज आप देख रहे हैं कि जिस तरह से बारिश का स्थिति है, मानसून का स्थिति है भारतवर्ष के अलग अलग क्षेत्र में, जैसे महाराष्ट्र में सूखा बिल्कुल 40% एक आंकड़ा है, 40% भारत में और सूखे की स्थिति। पहला क्या घोषणा किया कैबिनेट ने कि प्रधानमंत्री जो किसान का जो स्कीम है जी, 6,000 रुपया सबको मिलेगा, आपका कितना पास, आपका जमीन कितना पास है, ये सरकार ने वो हदबंदी हटा दी है 2 हेक्टेयर की। और इसमें एक साल में सरकार
88,000 करोड़ खर्च करेंगे, मगर और भी समस्या है। क्या है? जिसके पास जमीन है उसको ये पैसा मिलेगा जी, जो बटाईदार है, जो मजदूर है, बिल्कुल, जिस जो भूमिहीन भूमिहीन है जी, उनका क्या होगा? वो कैसे साबित करेगा मैं किसान हूँ, मेरे पास जमीन है, कैसे? तो ये जो कृषि क्षेत्र में जो संकट है ये बहुत बड़ा संकट। तो ये तो अभी हमने जो हमारे पास आंकड़ा आया, और जो ये अब आगे की चुनौतियां जो हम देख रहे हैं कि अब बहुत किस तरह की चुनौतियां हैं हमारे सामने, देखिए क्या बहुत संकट बढ़ने वाला है। जो हमारा नया जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी बने, वो 5 जुलाई बजट पेश करेंगे जी। बहुत सारे चुनौती हैं उनके सामने। निवेश कैसे बनाना, सिर्फ सरकारी निवेश नहीं, निजी क्षेत्र का निवेश, निवेश कहाँ से आएगा? विदेश से आएगा, देश से आएगा। आप खर्च करने चाहते हैं, आप सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण विकास के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए नहीं खर्च करना चाहते हैं, आपको और भी खर्च है बहुत सारे, ये पैसा कहाँ से आएगा? आप आयकर GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आयकर की तो सीमा बढ़ा ही दी है, वो सीमा तो अप्लाई होगी, तो पैसा कहाँ से आएगा? आप क्या घाटा बढ़ाने के लिए तैयार है? आप कह रहे हैं ये जो वित्तीय घाटा है वहीं रहना चाहिए, ये एक तरह से आपका जो अर्थव्यवस्था के ऊपर आपका जो विचारधारा है, जो दक्षिणपंथी विचारधारा है, वो कहेंगे कि हम वित्तीय घाटा नहीं बनाएंगे। अगर आप वित्तीय घाटा नहीं बढ़ाएंगे तो ये पैसा कहाँ से आएगा? मेरा लग रहा है बढ़ने का एक संभावना है, क्योंकि आज सरकार, नया सरकार आए हैं, इस समय अगर वो उनका लोकप्रियता अगर कम हो जाएगा, ठीक है, वो सोचेंगे कि हम कुछ कठिन कुछ सिद्धांत लेंगे, और ठीक है अभी हमारे पास कुछ साल समय है। मगर जो ग्रामीण क्षेत्र में जो संकट जो चल रहे हैं, आप जो कृषक हमारे देश में जो आत्महत्या कर रहे हैं उनका आंकड़ा आपने हटा दिया, जो 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 गृह मंत्रालय का जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है उसमें से नंबर ही आपने गायब कर दिया, तो लोगों को मालूम नहीं है कितने लोग, मगर आप देख हम सब जी, मैं वहीं पर आ रहा था अपनी बात को समाप्त करते हुए, कि जो नंबर गायब किए जा रहे हैं या जैसे बेरोजगारी के नंबर को नहीं माना गया, तो क्या मैं इसे राजनीतिक धोखाधड़ी भी कह सकता हूँ कि आपने पहले नहीं बताया और सरकार चुनाव वनाव होने दिए तो क्या देश को धोखे में रखा गया, इसे इस तरह से देख सकते हैं? बिल्कुल आपने ठीक कहा। और देखिए इस स्थिति आज जो है अंतर्राष्ट्रीय जो विश्वव्यापी अगर आप अर्थव्यवस्था देखेंगे, खराब स्थिति है। अमेरिका और चीन के बीच एक वाणिज्यिक लड़ाई चल रही है, इसके असर भी भारतवर्ष में पड़ेगा, क्योंकि पूरा विश्व का जो 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 वो फेवरेट नेशन का दर्जा भी घटा रहा है, जो जो आयात निर्यात जो 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 वाणिज्य हो रहा है वो उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहा है। आप देखा कुछ दिन पहले कच्चे तेल का कीमत भी बढ़ गया, क्योंकि ईरान का वहाँ पे भी एक राजनीतिक स्थिति, और हम तो विदेश से हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 80% से ज़्यादा हम कच्चे तेल विदेश से आयात करते हैं। तो एक तो विदेशी स्थिति है, मगर देश के अंदर भी एक तरह से एक रिसेशन की कंडीशंस, मांग नहीं बढ़ रहे, गाड़ी देखिए, टू व्हीलर देखिए, अलग अलग चीज़ देखिए, अगर लोग के पास पैसा नहीं है तो कैसे खरीदेंगे? तो इस तरह से समय बताएंगे, और हम निर्मला सीतारामन जी का पहला जो बजट है 5 जुलाई, उसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि सचमुच सरकार क्या करेंगे नहीं करेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है जो भारी बहुमत से वापस आया, उसका जो अर्थव्यवस्था और अर्थनीति क्या दक्षिणपंथी रहेगा, कि एक तरह से उसके सामने और कोई रास्ता नहीं, एक तरह से वामपंथी या जो समाजवाद के जो उनका जो विचारधारा है उस साइड में जाएंगे कि नहीं, ये समय बताएंगे जी। तो ये तो समय बताएगा, और चुनाव तो जीत लिया गया है, लेकिन अब असली चुनौतियां हमारे और सरकार के सामने हैं, देश के सामने हैं, उनसे सरकार ये कैसे निपटेगी ये आने वाले दिनों में देखने की बात होगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।